सामने बैठी है, मुझसे सवाल करेगी दुआ करो सवाल। तो गाइज सना के मामले में मतलब सना के लिए इतने सवाल आते हैं तो हमने कहा क्यों ना हम वीडियो बना लें सना के लिए, तो हम कैमरा सेट कर लेंगे। तो गाइज सना से पहला सवाल है कि सना आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में। गाइज अभी मैंने एडमिशन लिया है 9th क्लास में। तो गाइज ये 9th क्लास में। और सना आपकी कितनी बहनें और कितने भाई हैं? गाइज मेरे 3 बहनें, एक मेरे से एक सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद एक भाई है, ठीक है। हाँ। 2 भाई हैं, 3 बहनें, एक सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद एक भाई है, फिर एक बहन है, फिर मैं आ गई थी गाइस, फिर एक छोटा भाई आ गया था। समझ रहे हो? और आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन लगती है घर में? दुआ मलिक। दुआ घर में दुआ बहुत अच्छी लगती है। तो आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में ज्यादा भिंडी, मुझे भिंडी बहुत पसंद। और मुझे गाइस बिल्कुल भी भिंडी अच्छी नहीं लगती, इतनी गंदी लगती, इतनी गंदी लगती, इतनी गंदी लगती है, मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है गाइस। और आपको जब गुस्सा आता है तो आप क्या करती हो? मैं रोती हूँ गाइस जब मुझे गुस्सा आता है, रोती है और किसी से बात नहीं करती। आज तो सुबह बहुत मारा मेरे को सारा दिन, मोबाइल यूज करती है, पता नहीं मोबाइल यूज करते हैं तो आप मारोगे? अगली दफा आपके सवाल की वीडियो बनाएगी फिर आपसे मैं पूछूंगी आप मोबाइल यूज क्यों करती हो। तो और आप क्या करती हो मतलब पूरा दिन में आप क्या करती हो वो बताएं? पूरा दिन में गाइस मैं बस काम ही करती रहती हूँ, थोड़ी देर फारिग बैठती हूँ, फिर से काम ही करती रहती हूँ, घर के काम, फिर जो हम काम करते हैं वो करती रहती हूँ, बस यही होती है हमारी डेली रूटीन। और सुबह तो आपको मैंने दिखाया आपकी साल घर का काम गाइस मैं करती हूँ, और मेरी हेल्प भी नहीं करती हूँ। परसों मैंने बर्तन धोए थे। बहुत तेज हो रहा है। जिंदगी में पहली दफा इस लड़की ने बर्तन धोए थे। और आपको कलर कौन सा पसंद है? ब्लैक। मुझे भी। और आपको घर में मम्मा पे ज्यादा प्यार करती है या पापा ज्यादा प्यार करते हैं? घर में पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। और आप किससे प्यार करती हो? मैं भी अपने पापा से ज्यादा प्यार करती हूँ मम्मा से। गौरी जी पापा के लिए इतनी दीवानी थी, अभी इसको बोल देंगे कि तुम्हारे पापा को ये हो गया, इतना तेज रोना शुरू कर देगी, मतलब अब्बू के बारे में ना ये कुछ भी नहीं सुन सकती, कुछ भी नहीं सुन सकती है। और अब आप बताएं मुझे कि ना मतलब आपने YouTube क्यों जो शुरू किया मतलब? क्योंकि कल मुझे इतना शौक था सोशल मीडिया में आने का कि मैं भी सोशल मीडिया हूँ, मैं भी व्लॉग बनाऊँ, मैं भी टिकटॉक बनाऊँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ। तो मैंने बाबा वालों से पूछा कि मैं मना लूँ, तो बाबा और मम्मा ने कहा मना लो। तो मैं और दुआ सोशल मीडिया गए और हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मेरे घर 1.5 साल हो गया फिर भी यूट्यूब पर लाइक नहीं आते, कल आप लोग शेयर कर दिया करें प्लीज़ कि हमारे लाइक आ जाए। और लोग कहते हैं कि लोग बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप यूट्यूब में आई हो तो आप अच्छी लड़की नहीं हो, आप उनको क्या कहना चाहोगी? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या कहना चाहूँगी। क्या कहना चाहिए आप बोलो ना, मतलब वो लोग ऐसे क्यों कहते हैं? बस पता नहीं क्यों लोग दूसरों की लाइफ में पता नहीं क्यों आते हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी लाइफ में कर रहा है बस। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी वो जो भी करता है अपने दिल से करता है, आप उसको कुछ ना कहें, कुछ ना कहें, और अपने काम से काम रखें, अपना घर देखें, दूसरों के घर के मामले छोड़ दें, दूसरों को छोड़ दें, दूसरे जो हैं जैसे हैं, हमें अपनी कब्र में जाना है, आपको अपनी कब्र में जाना है। तो अब आपको टिकटॉक ज़्यादा पसंद है यूट्यूब या इंस्टाग्राम, किस में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं? मैं टिकटॉक पे गाइस, टिकटॉक पर मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ गाइस, फिर मैं यूट्यूब पे और इंस्टा पे नहीं बनाती। और हम यहाँ पे ना हम लिंक दे देंगे, आप इसकी इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें यूट्यूब, और यूट्यूब को तो वैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, और क्या बोलते हैं टिकटॉक को भी करें, यहाँ हम नीचे ना दे देंगे। और सब कह रहे थे कि ना आपकी दुआ बहन कौन है, दुआ बहन कौन है वो भी आप बता दें, दुआ कौन है, सना कौन है? पहले से नजर आ रही है वो ये मेरी दुआ बहन और बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। चलो अभी दूसरा करो, क्या हो गया जल्दी करो। और अभी सोचने तो दो, और भी बहुत सारे सवाल है, इतने लोग कमेंट करते हैं, इतने लोग कमेंट करते हैं, मलाइका का और मुझसे कितना प्यार करती हो? मुझसे आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मलाइका से बिल्कुल भी नहीं, कैसे करती हूँ मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, मगर बस से बहुत प्यार करती हूँ। और जल्दी जल्दी करो, आपको फ्रॉक पसंद है पहनना या कमीज सलवार पसंद है?
बस मुझे फ्रॉक आजकल बहुत अच्छी लग रही है। कुर्ती मैं पहले पहनती थी कमीज शलवार, अभी मुझे फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है। अभी ये मैंने कमीज पहनी हुई है, मुझे मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे फ्रॉक ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप वो आपका दिल चाहता है कि मैं दुआ के कपड़े पहनूँ? गर्ल बहुत चाहता है, कहती है 1 घंटे के लिए पहनो और जल्दी से पहन के वीडियो बना के उतार दो, पहनने भी नहीं देती है। मतलब मैं बोलती हूँ पेन लो भले, मगर 1-2 घंटे के लिए पहन लो, अब सारा दिन के लिए थोड़े भी मुझे बुरा लगता है। 3-4 दिन के लिए। और आपको सैंडल पसंद है या हील वाले या कम क्या मतलब? मुझे बड़ी हील वाली सैंडल्स पसंद। और आपको गिफ्ट देना पसंद है या गिफ्ट लेना पसंद है? मुझे गिफ्ट लेना ज़्यादा पसंद है और गिफ्ट देना भी गाइस पसंद है मुझे। और अभी मेरी बर्थडे आ गई है गाइस, सोचे नहीं तो मेरे को पता नहीं क्या देने आ गई है गाइस। और अगर मैंने बर्थडे में आपको बिल्ली दे दी फिर आप कितना खुश होंगे? मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा अगर आपने मुझे कैट दे दी तो। और अगर कैट नहीं दी कुछ और दिया चलेगा गाइस? और आपको खाना बनाने मतलब खाना आप कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा बनाते हो? कौन सा ज्यादा अच्छा बनाते? मुझे हर सालन में ज्यादा अच्छा बनाना आता है और चिकन में ज्यादा अच्छा बनाते हैं गाइस। चिकन मेरे हाथ का सभी शौक से खाते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो दुआ। और मतलब आपको बनाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? खाने में तो आपको चिकन तो वही तो कह वही बनाने में भी वही अच्छा लगता है। खाने में तो भिंडी अच्छी लगती है ना, परांठे इसको इतने पसंद है, तली हुई रोटी और परांठे। सारा दिन तली हुई रोटी खाओ परांठे खाओ, बस क्या कर सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और बोलो और कौन से सवाल करो? और गुस्सा दो बड़ा का स्कूल का, अभी भी मैं दिल करा बड़ा फूटू इसको मैं तो मैं पकड़ो मलाइका के ना गई हाथ कर दिया। और आपने ये सूट पहना है ये किसका सूट था? मैं ये दुआ का सूट था, बेचारी ने मना के रखा हुआ था 3 साल से, इसके काम ही नहीं आ रहा था। मैंने इसको दर्जी को दिया और सिलवाया और पहन लिया गए। पहन लिया गए। और आपको आपका दिल करता है आपके बाल बड़े हों? हाँ भाई मैं दिल करता हूँ मेरे बाल इतने बड़े हो जाएंगे, मेरे बाल बड़े नहीं होते। और आपके पास कोई टोटका है बाल बड़े करने का तो मुझे बताना। और आप जब बहुत ज्यादा उदास हो जाती हो फिर क्या करती हो? बताया तो था पहले, भूल गई हो क्या? पहले पूछा है मैंने ये। रोती हो? नहीं वो तो मैंने गुस्से का पूछा था कि आप बहुत ज्यादा उदास होती हो फिर क्या करती हो? रुस के मेरा ना ये सब त्योहार हो गया, कुरान खानी होती है हमारे घर में। और गर्ल मेरा दर्जी से सूट ही नहीं सिल के आया, मैं तीसरी मंजिल पे चली गई और अपनी नस काटने लगी। तो बस अब इसके साथ ही हम ये वीडियो को एंड करते हैं। ये सवाल आज के लिए बहुत है, फिर अगर आपको और भी इससे सवाल पूछने तो आप कमेंट करना, फिर हम और भी वीडियो बनाएंगे इसमें। ये आज अच्छी वीडियो बनी बहुत। प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, प्लीज़ अपने दोस्तों को सबों को शेयर कर दें हमारे ब्लॉग को। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।